बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआएं आप बिल्कुल ठीक ठाक हों, खुश हों और मज़े में हों। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सुबह सुबह ही मैं आज अपने फ्रंट जो है गार्डन में आई हूँ, और यहाँ पर मैंने आपके साथ थोड़ी डिटेल शेयर करनी थी। बहुत ही जो है ना, आज का दिन बिजी गुजरने वाला है और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ। काफ़ी दिन से हमें ना इस दिन का इंतज़ार था और आज फाइनली वो दिन आ गया। तो चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या आज के लिए एक्साइटिंग न्यूज़ है। पहले तो मैं थोड़े से आपको अपने पौधे दिखा देती हूँ फ्रंट यार्ड में। ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है अल्हम्दुलिल्लाह से, और बिल्कुल जो है ना फ्रेश हो जाता है बंदा का माइंड इन सब चीज़ों को देखकर। तो स्ट्रॉबेरीज़ का भी प्लांट्स लगे हुए हैं छोटे छोटे से। ये देखें, मिनी मिनी स्ट्रॉबेरीज़ आ गई हैं इनके ऊपर, और ये थोड़ा सा साइज़ इनका बड़ा हो जाएगा जब तक इनको उतारने का टाइम आएगा। तो ये देखें, क्यूट सी स्ट्रॉबेरीज़ है। लास्ट समर भी लगी थी और बड़ी ही प्यारी आई थी। तो यहाँ से कुछ प्लांट्स जो हैं आज रिमूव हो जाएंगे, और मुझे उनके लिए बहुत मैं सैड भी हूँ, लेकिन एक्साइटेड इसलिए हूँ कि यहाँ जो हमारा फ्रंट गार्डन है, ये थोड़ा सा हम इसको जो है ना न्यू स्टाइल में बना रहे हैं। आपको ये वुड नज़र आ रही है, एक बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है यहाँ पे। और ये जिस घर में हम लोग रहते हैं, ये काफ़ी पुराना घर है, और मतलब कि हमने इसको न्यू स्टाइल में अपग्रेड करवाया था जब हम यहाँ मूव हुए हैं। काफ़ी चीज़ें हमने अपग्रेड करवा ली थी, लेकिन जो हमारे फ्रंट की स्टेयर्स है ना, वो रह गई थी करवाने वाली, और उसके लिए भी हमने काफ़ी देर से जो है ना अपॉइंटमेंट बुक की हुई थी। और काफ़ी महीनों के बाद जो है ना हमारी भाड़ी आई है, और क्योंकि इतना बिजी स्केड्यूल होता है समर में, ख़ासतौर पे बाहर के सारे काम करवा सकते हैं, विंटर में तो इतनी स्नो होती है काम कोई होता ही नहीं है। तो अभी भी हमने काफ़ी महीनों से अपनी बुकिंग करवाई हुई थी, तो फाइनली आज वो दिन है। और ये आप वुड देख रहे हैं कि इसकी कितनी बुरी हालत हो गई है, और ये बिल्कुल नरम हो गया है। हर चीज़ की एक लाइफ है, तो इन फ्रंट की जो हमारे घर के फ्रंट की स्टेयर है उनकी लाइफ इतनी थी। अब हम इसको नए स्टाइल में करवाएंगे, और आपने बिल्कुल मेरे साथ इसको देखना है कि कैसी मेरी फ्रंट की स्टेयर बनेगी। और मैंने बिल्कुल उसको थोड़ा वाइड करवा दी, थोड़ा खुला करवा दिया है। और अभी जो है ना 10 बजे के करीब टीम आ जाएगी जो कि हमारी फ्रंट की स्टेयर को रेडी करेगी। 4-5 डेज़ का काम है। तो यहाँ पे मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में दिखाया था कि मैंने कुछ पॉट बाय किए थे, बहुत सारे पॉट मैंने लगा दिए हैं, और ये कुछ मेरे प्लांट रह गए हैं जिनको कि मैं आज ट्रांसप्लांट कर लूँगी बड़े अपने बड़े पॉट में। और आप देख रहे हैं कितने क्यूट क्यूट से मेरे पास बेबी पौधे हैं जिनको मैंने आज ट्रांसप्लांट करना है। तो जी, फाइनली हमारा काम स्टार्ट हो गया है, और 10 बजे के करीब पूरे टाइम पर ये लोग आ गए थे। आज 2 आए हैं आदमी जो कि ये काम स्टार्ट करेंगे, और पहले तो ये सारी स्टेयर्स रिमूव होंगी, सारी वुड रिमूव करेंगे, और फिर हमने जो इनको डिज़ाइन बताया जो स्टाइल, उसके मुताबिक काम स्टार्ट हो जाएगा। पहले तो वुड को रिमूव करना ही काम है। बहुत सारी लक्कर जो है गल भी गई है, ये वाली स्टेयर हम यूज़ भी नहीं कर पा रहे थे, और क्योंकि ये बहुत कहीं काफ़ी स्टेप्स डैमेज थे, और जिसकी वजह से हम लोग ने अपना सारा जो ये ना फ्रंट का ये जो कि आपको नज़र आ रहा है, सारी वुड को ना चेंज करवा रहे हैं। अभी भी हम वुड की ही स्टेयर बनवाएंगे क्योंकि वही जो ना खूबसूरत लगती हैं, और लेकिन स्टाइल थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। और कोई भी वुड का जो मतलब काम हुआ होता है वो तकरीबन 25 से 30 साल उसकी लाइफ होती है। तो अब ये इसका जो थी ना काफ़ी बीच में वुड डैमेज थी, तो हमने इसको न्यू स्टाइल में करवा रहे हैं। पहले तो सारी वुड रिमूव कर रहे हैं, और इतनी हैवी हैवी ये ना बड़े बड़े वुड के जो पीसीस थे और बहुत हैवी लग रहे थे, जो कि हाथ से रिमूव करना मुश्किल था, तो यहाँ पर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्रंट की जो स्टेयर्स थी ऊपर से उन्होंने सारी रिमूव कर दी है। ये देखिए, मैं अपने फ्रंट डोर पर खड़ी हूँ, ऊपर से मैं वीडियो बना रही हूँ, और यहाँ पर ये काफ़ी हाइट पे हमारा घर है, क्योंकि हमारा घर जो है ना वो हाइट पर, तो इसलिए इसकी स्टेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा है।
रमज़ान में हमने इनके साथ कांटेक्ट किया था इस टीम के साथ, और उस टाइम से हम अपना जो है ना टाइम फिक्स कर चुके हैं। इतने ये लोग बिजी थे कि अब जाके हमारी जून में जो है ना उन्होंने टाइम हमें दिया है। और अब जून में, ये भी जून में भी क्या हुआ कि जो डेट उन्होंने हमें दी थी उससे ये लोग 2 वीक लेट आए हैं, क्योंकि जहाँ पे ये लोग पहले काम कर रहे थे वहाँ पर बारिशों की वजह से ये लोगों का काम डिले हो रहा था, तो हमारा काम भी डिले हो गया डेफिनेटली। फिर हमने 2 मोर वीक वेट किया और फाइनली आज ही आ गए हैं। तो आप यकीन करें कि खुद ही सोचें कि कितना काम यहाँ पर समर में बिजी हो जाता है, कि हमने रमज़ान में इनके साथ पहली दफ़ा कॉन्टेक्ट किया था और इनको बुलाकर हमने अपनी स्टेट दिखाई, एस्टिमेट लिया और बताया कि हम कैसा बनवाना चाहते हैं। तो आज फाइनली फिर इतने महीनों के बाद, अब छोटी ईद भी गुजर गई है, बड़ी ईद भी गुजर गई है, तो अब जाके हमारे जो है ना काम की बारी आई है। साथ वाले हमारे नेबर्स हैं, उनका भी आज समर में ही काम स्टार्ट हुआ है, वो भी अपने गार्डन में कोई काम करवा रहे हैं। तो समर के टाइम बहुत बिजी हो जाता है काम, कोई भी आपने आउटसाइड का करवाना हो तो यहाँ से इन्होंने फ्रंट की काफ़ी वुड उतार दी है, क्योंकि हम अपनी स्टेयर्स थोड़ी सी खुली करवाने लगे हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा ये वाला गार्डन वाला पार्ट भी जो है ना, जहाँ ग्रास आपको नज़र आ रही है, ये वाला पार्ट भी 7 किलो शामिल करेंगे, जिससे कि हमारा फ्रंट की स्टेयर्स और बड़ी हो जाएंगी। सारी जितनी वुड उन्होंने उतार ली थी उसकी ट्रॉली फुल हो गई थी, तो अब वो के वो गार्बेज में फेंकने के लिए गए हैं, और देन दोबारा आएंगे और दोबारा यहाँ से जो बाकी वुड होगी वो भी लेके जाएंगे। तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है कि जी क्या क्या काम हम इनसे करवा रहे हैं। गार्बेज भी हमने इंक्लूड किया था, गार्बेज भी आप उठाएंगे, डेफिनेटली पे करना पड़ता है, और कंप्लीट जो काम है ना वो हमने इनसे डन करवाया था। और फाइनल लुक आप देखिएगा कि कितना अच्छे से इन्होंने ये काम ख़त्म किया। एक और आउटसाइड जब आप कोई काम करवाते हो, एक चीज़ का बहुत ज़्यादा और ध्यान क्या रखना पड़ता है। जब हमने इनके साथ कॉन्टेक्ट किया था, इनसे अपना टाइम डन कर लिया था कि कौन सा टाइम आप हमें दे रहे हो, उसके बाद क्या होता है कि हमें गैस, बिजली और पानी के कंपनी को के साथ कांटेक्ट करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि हम ये काम अपने बाहर करवाने लगे हैं, रोड के पास या अपने गार्डन के पास या अपने घर के दरवाजे के पास। तो वो क्या करते हैं, वो एक एक टीम आती है और टेलीफोन कंपनी को भी करना पड़ता है कांटेक्ट। ये चारों आते हैं और देख के जाते हैं कि पानी की लाइन कहाँ बिछी हुई है, गैस की लाइन कैसे बिछी हुई है, और जो वायरिंग जो हुई है तारों की, क्योंकि यहाँ अंडरग्राउंड सारे तारें बिछती हैं, तो वो सारा टीम आके चेक करके जाती है कि कहाँ कहाँ तारें आपकी हैं। और आपको नज़र आ रहे होंगे ब्लू फ्लैग लगे हुए, कहीं पे येलो लगे हुए, कहीं पे रेड फ्लैग लगे हुए हैं, वो वहाँ पे अपने फ्लैग लगा के जाते हैं कि यहाँ यहाँ पे गैस की, पानी की, बिजली की वायरिंग है, तो यहाँ पर जब आप खुदाई करें तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये चीज़ें डैमेज ना हो। तो वो खुदाई करते हुए भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इन सब चीज़ों को कॉन्टैक्ट करते हुए, उनकी टीम को आते हुए भी बहुत टाइम लगता है, तो इस वजह से भी काफ़ी महीने लग गए हैं हमारा काम जो है ना शुरू होते हुए। आज पूरा दिन जो है ना मुझे ध्यान रखना पड़ा ये कैसे काम कर रहे हैं, कोई इनको चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, कोई इन्होंने बात तो नहीं कहनी, क्योंकि हस्बैंड तो अवेलेबल नहीं थे, वो जॉब पर थे। तो आज सारा ध्यान मुझे रखना पड़ा। खाना मैंने कुछ नहीं बनाया था, तो बस ये था कि फिर मैंने कहा कि सैंडविचेस बना लेते हैं, हम लोगों ने सैंडविच बना लिए थे, और पूरा दिन गुजर गया। ये इन्होंने सारे अच्छे से खुदाई कर दी है, आज का काम इन्होंने ख़त्म कर दिया, और तकरीबन ये 6 बजे ये लोग जाने लगे थे, उससे पहले फिर ये लोग गए हैं। और जितनी वुड चाहिए ना इनको कल के काम के लिए, जो जो मटेरियल चाहिए था वो देखें लेके आए हैं। ये वाली वुड हम अपने स्टेयर्स पे लगवा रहे हैं और ये वाटरप्रूफ है, इसमें पानी का कोई असर नहीं होता, तो ये वाली वुड का सामान ये लोग ले आए हैं। कल क्या काम करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, कंप्लीट लुक इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी। ब्लॉग पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।